नमस्ते प्रिय छात्र, ई लर्निंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 नकलची बंदर इस पाठ का अभ्यास देखेंगे। आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 पर अभ्यास दिया गया है। अभ्यास में सबसे पहले है शब्द अर्थ। चीरना तो काटना, लट्ठा तो लकड़ी का गोल लंबा टुकड़ा, संकेत तो इशारा, नटखट तो शरारती, नकलची तो नकल करने वाला, धन्यवाद मतलब शुक्रिया। तो बच्चों, आपको शब्द के अर्थ समझ में आ गए होंगे। आगे है पाठ बोध। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर 2। बच्चों, यहाँ पे मौखिक दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने नहीं हैं, केवल मौखिक देने हैं। क, अलग अलग पात्र बनकर पाठ को ऊंचे स्वर में पढ़ो। तो बच्चों, यह एक नाटक है ना, नकलची बंदर। इस नाटक के अलग अलग पात्र है, जैसे कि जमाल, मनोहर, पहला बंदर, दूसरा बंदर। तो आपको क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक को जमाल बनना है, एक को मनोहर बनना है, एक पहला बंदर बनेगा और एक दूसरा बंदर बनेगा, और इस तरह से इस पाठ को पढ़ना है, मतलब पठन करना है। ख, बढ़ई क्या कर रहे थे? उत्तर में आएगा बढ़ई दरवाजे खिड़कियां बना रहे थे। ग, इन शब्दों का उच्चारण करो। बढ़ई चढ़ना, लकड़ी खिड़की, घड़ा लट्ठा, प्यास धन्यवाद। बच्चों, आगे है लिखित। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक में लिखने होंगे। क, पेड़ पर कौन थे? उत्तर में लिखेंगे पेड़ पर दो बंदर थे। ख, मनोहर और जमाल कहाँ गए? उत्तर में लिखेंगे मनोहर और जमाल खाना खाने और पानी पीने गए थे। ग, बंदर ने क्या किया? उत्तर में लिखेंगे बंदर ने लकड़ी के लट्ठे में लगी कील निकाल दी। घ, बंदर की पूंछ किसने छुड़ाई? उत्तर में लिखेंगे जमाल और मनोहर ने बंदर की पूंछ छुड़ाई। प्रश्न 2, 1, 2, 3 लिखकर वाक्यों का सही क्रम बताओ। बच्चों, यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन वाक्यों में आगे जो बॉक्स दिए गए हैं उनमें इन वाक्यों का क्रम लिखना है। जैसे कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, उसके बाद में कौन सा वाक्य आएगा। तो आइए सबसे पहले हम इन वाक्यों को पढ़ लेते हैं, ताकि हमें पता चले कि पहले कौन सा वाक्य आएगा, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है। मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, चलो लकड़ी के लट्ठे में बड़ी कील ठोंक दे। बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं। यह तो लगता है हमारा धन्यवाद कर रहा है। लकड़ी काटते काटते पसीना आ रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको बताना है कि पहले कौन सा वाक्य आएगा। तो ज़रा ध्यान से देखने पर हमें पता चलेगा कि पहले आता है लकड़ी काटते काटते पसीना आ रहा है। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, दूसरा आएगा चलो लकड़ी के लट्ठे में बड़ी कील ठोंक दे, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। ऐसे ही तीसरा वाक्य आएगा,
बंदर कील के आसपास बैठ जाते हैं। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। एवं सबसे लास्ट में 5 कहाँ आएगा? यह तो लगता है हमारा धन्यवाद कर रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो बच्चों देखा ना, इस तरह से आपको वाक्य के क्रम लिख देने हैं। तो बच्चों आशा है कि आपको अभ्यास में शब्द अर्थ एवं मौखिक प्रश्नों के उत्तर और लिखित प्रश्नों के उत्तर एवं प्रश्न 2 अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम भाषा ज्ञान देखेंगे। थैंक यू।